हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं और वादा किया था आखिरी वीडियो में कि पहुंच जाएंगे एक नए स्लम में, नए शहरों के बीच में, तो लीजिए आ गए हैं वापस। और आज का हमारा बहाना है, आज की जो हमारी सेलिब्रेशन की वजह है वो है टेंजिन वैंगयाल। आज 9 साल की हो रही है और ये कॉन्ट्रीब्यूशन उनके पेरेंट्स की तरफ से। मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी टीम BBF के तरफ से उनके पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने ये मौका हमें दिया और ये इन बच्चों के साथ सेलिब्रेशन का सिलसिला आगे बढ़ाने की हमें एक और वजह दी है। तो आइए जल्दी से सेलिब्रेशन शुरू करते हैं टेंजिन के लिए। और बच्चा, हैप्पी बर्थडे, आप बहुत खुश रहें, पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो चलिए चलिए चलिए, जल्दी से, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते इन बच्चों को, तो डांट पड़ेगी इन छोटों से। तो टेंजिन, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। केक पसंद आया? मेरी मदद कौन करने वाला है? क्या नाम है आपका? रानू जी। टेंजिन के लिए बर्थडे कटिंग सेरेमनी में हमारी मदद करने वाले हैं। इसीलिए ये स्पेशल है इसके लिए, क्योंकि इसने आज तक केक ही नहीं काटा। अभी आपके लिए फर्स्ट पीस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेश जूस के साथ। आइए, Thank you.
जल्दी से बच्चों की भूख को विराम देते हैं और उन्हें खिलाते हैं पाव भाजी। यहाँ तक ये सीमित नहीं है। इस बच्चे से मैंने पूछा तू खा क्यों नहीं रहा, तो कहता घर लेके जाऊंगा, अपने छोटाई के साथ खाऊंगा, छोटा है वो। तो यहाँ पर सिर्फ यहीं पर नहीं, पता नहीं कहाँ पे जो इस जश्न में शामिल नहीं हो पाए उसके साथ भी ये अपनी खुशियाँ साझा करना चाहते हैं। इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी सोच, जज्बा है जज्बा। चलिए बर्थडे के सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हुए बच्चों का मुंह मीठा करवाते हैं मोतीचूर के लड्डुओं के साथ। चलिए अब ढूंढते हैं इन कलाकारों का भी कलाकार इस ड्राइंग कंपटीशन के जरिए। हाँ दोस्तों, टीम बीबीएफ बच्चों की एजुकेशन को भी इक्वली इम्पोर्टेंट देता है उनके सेहत के साथ। तो चलिए कलाकार की खोज शुरू करते हैं। चलते हैं गाय को चारा देने। तो देखा आपने कितनी सारी खुशियाँ बिखर गई हैं आज हमारी छोटी सी तैंजिन वांग्याल के बर्थडे पर। आज 9 साल की हो रही हैं तैंजिन, बहुत ज़्यादा खुश रहें। हैप्पी बर्थडे बच्चा फ्रॉम एंटायर बीबीएफ टीम। आप खुश रहें और आपके पेरेंट्स को बेहद शुक्रिया, थैंक यू सर मैम, आपने ये कॉन्ट्रीब्यूशन करा और टीम बीबीएफ को अपनी खुशियों में शामिल किया।
बेहद खुशी होती है इन बच्चों के बीच में। जैसे आपके सामने ही हुआ है, एक बच्चा जिसने केक काटा था रानू, उसने ये बताया जब मैंने उससे पूछा तू खाना क्यों नहीं खा रहा है, घर जाके खाएगा मम्मी के साथ खाएगा, उसने बोला नहीं अपने छोटे भाई के साथ खाना चाहता हूँ। तो समझ नहीं आया उस टाइम मैं उसको क्या बोलूं, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पर जश्न में शामिल नहीं हो पाया है उसने फिर भी इतनी छोटी उम्र में इस सोच को रखना, ये बहुत बड़ी बात है। शायद मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी, इतनी छोटी उम्र में ये सोच रखना कि जिस जश्न में उसका भाई शामिल नहीं हो पाया, वो खुशियाँ उस छोटे से खाने की प्लेट के रूप में वो घर जाके अपने भाई के साथ बांटे, ये असली खुशी है। और उसी ने बताया ज़िंदगी में कभी उसने केक नहीं काटा, तो आज आपने उसका ये दिन भी स्पेशल बना दिया है टैंजिन के बर्थडे के साथ साथ। थैंक यू सो मच। जो भी मेरा दोस्त ये वीडियो देख रहा है, सबसे गुजारिश है प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और आगे भी इनको शेयर करते जाइएगा ताकि जो लोग इनको देखकर इंस्पायर हो सके और उनके मन में भी इस तरह का ख्याल ज़रूर आए कि खुशियां इस तरीके से इन चेहरों के साथ, इन बच्चों के साथ बांटी जाएं।